गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्बिनेशंस। है ना, कॉम्बिनेशंस मैंने पहले कहा था कि आपको परम्यूटेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए ना? उसके बाद कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अभी जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम परम्यूटेशन कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला लगना है, जैसे हमने फॉर्मूला किया एनपीआर। उसके बाद क्या होता है, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें पता चल रहा, हम क्या कर पाते हैं कि हमें पता चल रहा होता है कि हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम वहां पे आती है मोस्टली बच्चों को कि जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस इकट्ठे आते हैं ना, इकट्ठे आते हैं क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन उसका आ गया एक उसका आ गया, तो बच्चे को ये डिसाइड नहीं कर पाता कि विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि परम्यूटेशन क्या होती है और कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा कि परम्यूटेशन है क्या, कॉम्बिनेशन क्या है, कहां पे यूज करनी है ना, तो तब तक आपको पता नहीं चल पाता कि क्वेश्चन में करना क्या है ना। तो वैसे थोड़े से फॉर्मूलेज होते हैं, थोड़ी सी गाइडलाइंस होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। अब जैसे हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन का मेन जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ना, हमने सिलेक्ट करने हैं। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो मेरे पास तीन प्लेयर थे, एक्स वाई एंड जेड, तीन प्लेयर्स हैं ना, तीन बैडमिंटन प्लेयर्स हैं मेरे पास। हमने क्या करनी है, टीम बनानी है। अब टीम में दो प्लेयर्स हो सकते हैं ना, तो हाउ आई कैन सिलेक्ट द टू प्लेयर्स, हाउ आई कैन सिलेक्ट द टू प्लेयर्स है ना, टू प्लेयर्स में कैसे सिलेक्ट करूंगा। देखो उसमें डबल्स में खेलना है बैडमिंटन है ना, तो कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं। देखो या तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, या वाई जेड को कर सकता हूं, या एक्स जेड को कर सकता हूं है ना। ये तीन कॉम्बिनेशन होंगे मेरे पास, या तो एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड। अब क्या होगा, ये तीन हो गए है ना मेरे पास, ये तीन कॉम्बिनेशन बन गए, ये है कॉम्बिनेशन। अब इसमें एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है ना, देखो मैंने एक्स वाई प्लेयर चुन लिया या वाई एक्स प्लेयर, बात तो एक ही हुई ना, एक ही बात हुई है ना। इसमें क्या होता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेरे पास तीन ही कॉम्बिनेशन आए हैं ना। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, इसके परम्यूटेशन की ना, अगर मैं एक्स वाई जेड को अरेंज करना होता तो हम कैसे करते, सुनो इधर, तो हम कैसे करते, ये आना था ना एक्स वाई और वाई एक्स भी आता, मान लो क्या आता, एक्स वाई भी आता और वाई एक्स भी आता, फिर यहां पे जाता वाई जेड तो जेड वाई भी आता, उसके बाद एक्स जेड था और जेड एक्स भी आता। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ये क्या होता है परम्यूटेशन। यहां पे क्या है, अरेंजमेंट्स है, यहां पे क्या है अरेंजमेंट्स, कि अरेंज करता है कि एक बंदा यहां पे खड़ा है यहां पे खड़ा है ना, फिर वो इधर खड़ा है वो इधर खड़ा है, तो उसकी पोजिशन चेंज होती है। लेकिन तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इस टीम में दो प्लेयर है, एक्स वाई है और मैं ये नहीं कहूंगा भी वाई एक्स है, वो डजंट मैटर। तो वो कहां कहां पे काम करता है कॉम्बिनेशन, या तो हमने कोई ग्रुप सिलेक्ट करना है ना, या हमने कोई टीम सिलेक्ट करनी है ना, तो या हमने कोई ग्रुप सिलेक्ट करना हो या कोई टीम सिलेक्ट करनी हो ना, तो अब ये वहां पे हम क्या लगाते हैं, सिलेक्शन का फॉर्मूला, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन ना। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो इधर, एंड सी आर, ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉम्बिनेशन का, जैसे उसका होता है ना एनपीआर है ना, एनपीआर किसका, परम्यूटेशन का। अब इसमें ये देखो, इसमें ये छह थे, सिक्स तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स की हमने क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है, तो क्या आएंगे, सिक्स आएंगे ना। और अगर ये तीन सिलेक्शन करनी है तो कॉम्बिनेशन करना है तो क्या आएंगे, तीन ही आएंगे ना। अब एक और बात बताता हूं आपको भी, मान लो मेरे पास चार ऑब्जेक्ट्स थे, कौन कौन से, ए बी सी डी, देखो यहां पे तीन ऑब्जेक्ट से हमने सिलेक्ट करने थे टू, मतलब पी एन ऑब्जेक्ट से, तीन ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट कितने करने थे, टू है ना। अब यहां पे, अब मान लो यहां पे चार है ना, मैंने कभी चार, वही मान लो आपकी टीम है क्या है कि कोई कमेटी बनानी है हमने, कोई चार चार ऑब्जेक्ट्स हैं, चार पर्सन हैं, उनमें से दो 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 की कमेटी बनानी है ना, तो वो कमेटी हम कैसे बना सकते हैं, देखो इधर, या तो हम क्या कर सकते हैं ए बी ले लें, या मैं क्या ले लूंगा ए सी ले लूंगा, या हम क्या ले लेंगे ए बी ले लेंगे है ना, या बी सी ले लेंगे, या बी डी ले लेंगे है ना, या क्या ले लेंगे सी डी ले लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखो मैं ये कह रहा हूं चार ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास
और हमने दो की दो पर्सन की कमेटी चुनी है, दो पर्सन या तो ए बी चुनेंगे या ए सी चुनेंगे या ए बी चुनेंगे या बी सी या बी डी या सी डी, है ना। अब ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ पे ये क्या आ गए बी ए बी आ गए, वो तो ए की बात होगी यार, दो पर्सन की कमेटी है ए बी या बी ए की बात है ना, तो ना तो ना ये आएगा सी ए ना ये आएगा डी ए की बात है, तो ना ये सी बी ना डी बी है ना डी सी ये नहीं आएंगे, है ना। ये तो तब आते अगर क्या होती है उसकी अरेंजमेंट्स करनी होती है हमने, है ना, क्या करनी होती है अरेंजमेंट्स। तो ये आपको पता चलेगा कि देखो क्वेश्चंस में क्या आएगा, या तो वो कहेगा कि या टीम सिलेक्ट करो या कोई कमेटी बनाओ, है ना, या कोई ग्रुप बनाओ, है ना, वो सब उसमें सब में क्या किया करेंगे हम कॉम्बिनेशन, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें ये छह थे, छह ले आ गए, छह उसके वो डबल आ रहे हैं, वो क्या कि जो परमुटेशन में आते हैं इसमें कॉम्बिनेशन में हम नहीं लेते, कॉम्बिनेशन सिर्फ इनका बनेगा, है ना, जो छह कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब ये रिमूव कैसे करें, ना फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए बच्चों को पता नहीं चल पाता, है ना। तो ये क्या है, अब देखो इधर इसका फॉर्मूला होता है एनपीआर, अब देखो ध्यान से, अब अगर ये है फॉर्मूला इसका क्या होता है एनसी आर, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं इसकी, देखो एन कितने थे फोर, सी आर, आर मैंने आर मतलब टू एट ए कितने एट ए टाइम कितने लिए, है ना, एट ए टाइम मैंने दो की कमेटी बनाई थी दो लिए, फोर सी टू, है ना, फोर सी टू। एक्चुअल में अब ये देखो इसके परमुटेशन कितने बनते हैं, अगर मैं परमुटेशन लगाता तो फोर थे फोर पी टू, है ना, क्या बनना था फोर पी टू, और वो फोर पी टू का मतलब कौन कौन से आते, ये छह ये आते छह ये आते, है ना, ये होता। अब ध्यान से देखो इसको, छह तो ये थे छह ये थे, है ना, तो परमुटेशन में तो सारे आ जाएंगे ट्वेल्व के ट्वेल्व, और परमुटेशन आती कैसे, थोड़े इधर हम ये क्या करते हैं फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर माइनस टू फैक्टोरियल, ये परमुटेशन थी। अब ये कॉम्बिनेशन है, ये इसके इक्वल कब हो सकता है, ये वाली चीज है, ये कॉम्बिनेशन इसके इक्वल कब होगा, है ना। अगर हम क्या करेंगे यहां पर देखो ध्यान से, व्हाट वी कैन डू, अब सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां पे एन सी एन मतलब यहां पे फोर था फोर सी टू ये हुआ, ये लिए मैं इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ यही आएगा ना, फोर थे सिलेक्शन की हमने टू की, ये नहीं आना चाहिए ना। अगर मैं यहां पे देखो कितने लिए थे एट ए टाइम टू, टू फैक्टोरियल से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट विल बिकम दिस, दिस विल बिकम व्हाट परमुटेशंस। ध्यान से देखो कॉम्बिनेशन ये था क्या, फोर थे फोर में से मैंने दो सिलेक्ट करने एट ए टाइम फोर सी टू, यहां पे सी का मतलब कॉम्बिनेशन दो लिए, फिर मैंने मान लो इसको मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल से कर दिया, टू फैक्टोरियल का क्यों किया, क्योंकि जो ए बी है ना ए बी है ये इसका अरेंजमेंट कितना हो सकता है बी ए बी आ सकता है, अब ये ए सी था तो इसकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है सी ए बी हो सकती है, तो इनटू फैक्टोरियल टू कर दिया, तो ये क्या बन गया परमुटेशन बन गई, ये क्या बन गई परमुटेशन बन गई। अब ये किसके इक्वल है, ये परमुटेशन के इक्वल है, परमुटेशन क्या थी फोर पी टू, ये क्या थी फोर पी टू। अब मुझे इस फोर सी टू का फॉर्मूला नहीं आता है ना, आपको भी मैंने बताया नहीं कि फोर सी टू को कैसे सोल्व करना है, वो कैसे सोल्व होगा देखो, वो कैसे सोल्व होगा देखो, फोर सी टू है ना और इंटू टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये इसका तो हमने बताया हुआ है, इसका हमने डेरिवेशन भी किया हुआ है, ये कैसे आएगा, ये आएगा फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर माइनस टू फैक्टोरियल, अब मुझे चाहिए सिर्फ फोर सी टू का, तो ये टू फैक्टोरियल नीचे चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा फोर सी टू इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल अपॉन अपॉन फोर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बन गया जी इसका, किसका फोर सी टू का, ये बन गया इसका। अब जैसे कि मैंने यहां पे किया था ना, ये मैंने क्या किया था सुनो इधर ध्यान से, इसके अगर मैं दो दो के लेता है ना, इसकी परमुटेशन अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो कॉम्बिनेशन क्या आएंगे एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ये आएंगे, ये क्या आएगी इसकी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब यहां पे क्या होगा थ्री सी टू एट ए टाइम लेने हैं इन टू, फिर ये अगर देखो ये किसके ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है कॉम्बिनेशन, अगर मैं इसकी परमुटेशन बनाता अरेंजमेंट्स करता तो वो कितनी आनी है सिक्स, कैसे एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड वाई एक्स, क्योंकि एक्स वाई या वाई एक्स ऑर्डर इसमें मैटर करता है, जेड वाई जेड एक्स है ना, ये आते छह ये परमुटेशन ये आते। अब ये इसके इक्वल कब होगा, ये वाले इसके इक्वल कब होंगे, वो थ्री सी टू इन टू मैंने क्या किया टू फैक्टोरियल के साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो वो ये बन जाएंगे टू फैक्टोरियल, क्यों किया यहां पे भी
यहां पर भी टू फैक्टर ऑब्जेक्ट क्यों किया, क्योंकि एक्स वाई है जो दो प्लेसेज है, ये दो है, इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, दो तरीके से, या एक्स वाई पहले एक्स लिख दो बाद में वाई, या पहले वाई लिख दो बाद में एक्स, तो दो इसीलिए कर दिया इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर, इसके इक्वल आ जाएगा किसके, परमुटेशन के। तो परमुटेशन क्या होगी इसकी, थ्री पी टू, तो ये तो यहां पे थ्री सी टू की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू थ्री पी टू, थ्री पी टू अपॉन टू फैक्टोरियल, है ना, ये बन जाएगा। अब मान लो मैं एक आपको फोर का करके दिखाता हूं, मान लो मेरे पास क्या थे फोर ऑब्जेक्ट्स थे, क्या थे फोर ऑब्जेक्ट्स, मान लो वहां पे दे दिए, या फाइव ले लो, ए बी सी डी ई, फाइव ऑब्जेक्ट्स है ना, इसमें से मैंने थ्री का कॉम्बिनेशन लेना है ना, किसका थ्री, तीन सिलेक्ट करने एट ए टाइम, तो हम क्या करेंगे देखो वही आ जाएगा ना, या तो ए बी सी, ए बी सी, या ए ए सी डी, ए सी डी, या देखो ए सी डी, या ए डी ई, ऐसे आते रहेंगे ये कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे। अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसका तो क्या लिखेंगे हम, फाइव सी थ्री है ना, इंटू क्या होगा इंटू, अब यहां पे आर एट ए टाइम ले लिया ना, तो जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप बनाया ए बी सी का, तो ये भी आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो हम टीम की बात कर रहे हैं, तो टीम में ए बी सी प्लेयर है, चाहे बीसीए लिख लो चाहे एसीबी लिख लो, वो कोई एक ही काउंट होगा, वो क्या होगा एक ही काउंट होगा। अगर इसकी कंपनी, इसकी अगर मैं क्या करूं एबीसी की क्या करें, अगर परमुटेशन करें, तो वो क्या होगा एबीसी भी हो सकता है, या बी ए सी भी हो सकता है, या सी यहां पे आ जाए, ए बी सी था देखो पहले, पहले ए बी सी, फिर बी यहां पे आ गया, ए सी यहां पे आ गया, फिर ए सी और ए बी, ये आ गया है ना, ये तीन हो गए है ना, तो इन तीनों के क्या कर सकते हैं सिक्स हो जाएंगे ना, सिक्स के इसके क्या हो जाएंगे सिक्स हो जाएंगे, इसको फिर तीन के क्या हो जाएंगे सिक्स हो जाएंगे है ना। तो इसके लिए फिर हम यहां पे क्या करेंगे थ्री फैक्टोरियल कर देंगे है ना, थ्री फैक्टोरियल, और ये क्या बन जाएगी फिर, ये बन जाएगा बेटा परमुटेशन बन जाएगी। अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, फाइव पी थ्री, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, फिर फाइव सी थ्री का फॉर्मूला क्या होगा इज इक्वल टू फाइव पी थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल। तो ये था कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन को परमुटेशन में कैसे चेंज हो जाता है। ये फाइव देखो पांच थे ये ऑब्जेक्ट्स, मैंने तीन सिलेक्ट करने हैं, पांच प्लेयर थे, तीन प्लेयर मैंने सिलेक्ट करने हैं, तो फाइव सी थ्री, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो परमुटेशन बन जाएगी। वो परमुटेशन कैसे बनी, क्योंकि अगर मैंने एबीसी सिलेक्ट किया तो वो एबीसी की क्या, एबीसी अगर तीन ऑब्जेक्ट्स है, आपने तीन ऑब्जेक्ट्स है अगर तीनों ही लेने हैं ना, तो उसका तीनों की अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, थ्री फैक्टोरियल करोगे है ना, तो इसलिए मैंने थ्री फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो यहां पे एक और चीज है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा है ना, सुनो इसका ध्यान से, अब ये डेरिवेशन बताऊंगा फॉर्मूले की है ना। मान लो मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स थे, क्या थे एन ऑब्जेक्ट्स, मैंने सिलेक्ट किए आर एट ए टाइम है ना, आर एट ए टाइम, जैसे मैंने यहां पे दो सिलेक्ट किए थे, चार ऑब्जेक्ट्स थे दो सिलेक्ट किए, तो इनटू मैंने क्या कर दिया टू फैक्टोरियल कर दिया। टू फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि वो दो जो ए बी था, ए बी और बी ए बी आ सकता है, एसी था तो सी ए बी आ सकता है, दो बनेंगे ना, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आगे देखो, ए बी दो ऑब्जेक्ट्स थे, आगे दो को मैं अरेंज कैसे कर सकता हूं, दो को दो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों ही लेने हैं, तो उसकी अरेंजमेंट क्या होती है टू फैक्टोरियल। अब इसमें क्या थे तीन थे, तीन ऑब्जेक्ट्स थे, पांच ऑब्जेक्ट्स थे, तीन लेने हैं, तीन सिलेक्ट करने हैं, तो उसकी परमुटेशन बनाने के लिए, उसकी परमुटेशन बनाने के लिए मैं ऐसे कर दिया फाइव सी थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल क्यों कर दिया कि आगे देखो सिलेक्ट तो मैंने एबीसी किए हैं, अगर उसकी मैंने कॉम्बिनेशन की क्या बनानी है परमुटेशन बनानी है, देखो कॉम्बिनेशन की क्या बनानी है परमुटेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन तो ये बनी फाइव सी थ्री, फिर मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल कर दिया, क्योंकि थ्री एट ए टाइम लिए मैंने है ना, थ्री एट ए टाइम उन तीनों का, उन तीनों की आगे तीन ऑब्जेक्ट्स हो गए, तीन ही ऑब्जेक्ट्स है तीनों लेने हैं, तो उसका परमुटेशन हमने क्या सीखा था थ्री फैक्टोरियल, इसीलिए हमने क्या कर दिया थ्री फैक्टोरियल। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा परमुटेशन बन जाएगा, इसीलिए फाइव पी थ्री लिख दिया। अब ऐसे ही अगर एन ऑब्जेक्ट से आर एट ए टाइम लेने हैं मैंने, आर एट ए टाइम, तो ये क्या हो जाएगा एन सी आर मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, वहां पे टू लिया था तो टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, थ्री ऑब्जेक्ट्स लिए थे यहाँ पे टू लिए थे टू फैक्टोरियल किया, यहाँ पे थ्री लिए तो थ्री फैक्टोरियल कर दिया है ना, तो अब यहाँ पे आर है तो मैंने क्या कर दिया आर फैक्टोरियल। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया परमुटेशन बन गई। और अगर मैं आपको सीधा कहता कि यार ये परमुटेशन कैसे बनेगी, एन ऑब्जेक्ट्स है आपने आर एट ए टाइम ले लिया,
एन ऑब्जेक्ट्स है, आर एट ए टाइम ले लिया, तो आप कहते हैं सर एन पी आर जो बेस हमने फॉर्मूला किया हुआ है तो ये करते, तो फिर क्या होगा एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमने डेरिवेशन किया हुआ है कहां से आया, वो क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मुझे तो एन सी एल सी आर चाहिए था, तो एन सी आर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट में रख लो, तो आर फैक्टोरियल नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड आर फैक्टोरियल, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया एन सी आर का, ये किसका फॉर्मूला बन गया भैया एन सी आर का। देखो एन पी आर क्या होता है, एन पी आर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, और एन पी आर एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला है जी एन सी आर का, ये याद रखना अब आपको ना, ये कैसे आया, ये मैंने आपको तीन एग्जाम्पल्स दी है कि ये आर फैक्टोरियल कहां से आ जाता है ना, ये मैंने आपको देखो दोबारा फिर बताने की कोशिश करता हूँ। चार ऑब्जेक्ट से मैंने कहा है कि हमने टीम सिलेक्ट करनी है, टीम का ध्यान में रखो, देखो टीम सिलेक्ट करनी है, ग्रुप सिलेक्ट करना है, कमेटी बनानी है, तो हम क्या करेंगे सिलेक्शन कॉम्बिनेशन लगाएंगे ना, तो कॉम्बिनेशन ये देखो ये कॉम्बिनेशन का चार थे, दो की कॉम्बिनेशन लेनी है, दो की कमेटी चुननी है, दो की कमेटी चुननी है, तो क्या करोगे आप फोर सी टू इंटू टू फैक्टोरियल अगर कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, तो वो क्या बन जाती है अरे भैया वो परमुटेशन बन जाती है, मैंने इंटू टू फैक्टोरियल करके इजिकल टू फोर पी टू कर दिया है ना, अगर मैंने कहा है ना अगर फोर सी टू को मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल कर दिया टू एट ए टाइम तो वो क्या बन जाएगी परमुटेशन बन जाएगी, उसमें ये सारे छह के छह छह ये थे ये छह ये थे तो बारह आएंगे है ना, तो ये बारह के बारह इसके इक्वल हो गए फोर पी टू के, ऐसे ही अगर फाइव सी थ्री लोगे आप इंटू थ्री फैक्टोरियल कर दिया तो ये क्या बन गया परमुटेशन बन गई, अगर ये अकेला रहता तो ये क्या था कॉम्बिनेशन, अगर थ्री फैक्टोरियल कर दिया तो वो क्या बन गया परमुटेशन, तो परमुटेशन इक्वल टू क्या हो गया फाइव बी थ्री, तो यहां से ये सारा कंक्लूजन क्या निकलता है एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम तो ये कॉम्बिनेशन बन गया इनटू आर फैक्टोरियल तो एन पी आर हो गया है ना, तो अब ये सारा सिस्टम आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, एन सी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इसका क्या है मेन बेसिक फॉर्मूला। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम करेंगे है ना एनसीआर फॉर्मूले से है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले तो देखो आपको ये याद रखना है एनसीआर का फॉर्मूला अब आपको आ गया क्या है ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फर्स्ट फॉर्मूला है ना। अब सेकेंड आपने ये याद रखना है अगर एन सी एन हो एन सी एन मतलब n और r क्या हो इक्वल, वैसे तो r क्या होता है r इज लेस देन, ये भी याद रखना है r इज लेस देन इक्वल टू n है ना, या तो n से लेस होएगा या इसके क्या हो सकता है इक्वल, जब ये इक्वल होएगा तो ये देखो ये कैसे आएगा इसी फॉर्मूले को मैं खोल के बता रहा हूं, देखो क्या आएगा ऊपर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो n माइनस क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो साथ में क्या है r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, इसी फॉर्मूले में मैंने बेटा पुट कर दिया है ना, ये देखो ना एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, तो एन माइनस एन क्या हो जाएगा जीरो, तो आपने ये क्या कर देना एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया एन फैक्टोरियल का और जीरो फैक्टोरियल क्या होता है वन, तो ये किसके इक्वल हो गया वन, तो मतलब एन सी एन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास एन सी एन इज इक्वल टू क्या होता है वन, ये भी सारे याद रखना आपने है ना, ये हम डायरेक्टली यूज कर लिया करेंगे ना, नहीं भी याद आता ये देखो ऐसे आ जाता है एक मिनट में। और दूसरा तीसरा अगर क्या हो एन सी जीरो, देखो क्या हो एन सी जीरो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, एन माइनस आर है ना आर की जगह क्या है जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल, तो एन माइनस जीरो क्या हो जाएगा एन ही रह जाएगा एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कैंसिल, तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है वन, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास अगर एन सी जीरो हो तो ये क्या होता है इक्वल टू वन, फर्स्ट इसका बेसिक फॉर्मूला देन एन सी एन इज इक्वल टू क्या हो गया वन, एन सी जीरो इक्वल टू क्या हो गया वन है ना, तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपके पास ये होगी है ना। अब देखो नेक्स्ट ये राजेश इसकी क्या होगी नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट होते इसकी एक हमारे पास क्या है एन सी एन माइनस आर, अगर यहां पे ये हो ना एन सी एन माइनस आर हो, मतलब देखो अगर यहां पे कभी ये हो ना मान लो थ्री है फोर है मान लो फोर सी यहां पे क्या हो एन माइनस आर
मतलब 4 माइनस 2 हो ऐसा है ना, n n माइनस r कुछ भी हो आ रहा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल होता है, ये देखो n c r के ही इक्वल आ जाता है। कैसे सुनो इधर, कैसे इसका मतलब डेरिवेशन का सुनो एक, ये क्या होगा देखो, पहले क्या लिखेंगे हम, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल। देखो ये किया ना मैंने, n फैक्टोरियल ये बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सर हर जगह पे, n फैक्टोरियल n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि r की जगह पे क्या है ये n माइनस r है ना। तो अब ये देखो n के साथ तो ये n कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही तो इसका फॉर्मूला था, किसका, एन सी आर का, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर आर फैक्टोरियल है ना। तो वो आगे लिख लो पीछे लिख लो, एक बात है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये हो गया इसके इक्वल, तो इसका मतलब एन सी एन माइनस आर अगर हो तो इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर होता है ना। तो ये याद रखना। तो आगे क्या है, एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है ये याद रख लेना, ये प्रॉपर्टी है ना, ये डायरेक्टली यूज किया करेंगे हम। आगे क्या है, अगर यहां पे क्या हो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन हो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन हो, तो ये क्या बन जाता है, एन प्लस वन सी आर बन जाती है ना। ये एक बार चेक कर ले हम, ये प्रॉपर्टी देखो, ये सारी एनसीईआरटी में गिवन है ना। तो ये क्या थी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर है ना। इसका प्रूफ आप खुद करोगे, बस कुछ नहीं करना आपने, क्या करना हमने, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताना मुझे, आई विल टेल यू इट्स प्रूफ आल्सो है ना। बिल्कुल सिंपल, आपने इसको सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला लिखोगे, इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला लिखोगे, भाई मतलब भाई बेसिक फॉर्मूला यूज करोगे, और इसको आप इसको लिख लो, तो दोनों साइड आपकी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ये खुद कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान है। अगर हाँ नहीं आता आपका तो यू कैन टेल मी बाय कमेंट, आई विल टेल इन नेक्स्ट वीडियो इट्स अ प्रूफ है ना। तो आगे होता है एक सिक्स्थ, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, ये कब इक्वल होएगा ना, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी कब होएगा इक्वल, या तो ए इज इक्वल टू क्या होगा बी, या एन इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी, ये तभी इक्वल हो सकते हैं। एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, ये इक्वल कब हो सकते हैं, या तो a इज इक्वल टू बी हो, या n इज इक्वल टू ए प्लस बी हो है ना, तभी ये इक्वल हो सकते हैं। एन सी ए अगर ये देखो दो बातें हैं, अगर a इक्वल टू बी है तो ये दोनों इक्वल होंगे, अगर n इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो भी ये इक्वल होंगे, या दूसरी बात अगर ये दोनों इक्वल है, मैंने कह दिया इक्वल है, तो आपने क्या लेना है कि a इक्वल टू बी है और n इज इक्वल टू ए प्लस बी भी है, या ये है या ये है, दोनों में से एक तो पक्का सही है ना। तो ये था, ये थी सिक्स प्रॉपर्टीज जो आपने लर्न रखनी है ना, मतलब बेसिक ये है, इसके बाद आप खुद निकाल सकते हो, क्योंकि ये हम आगे सम्स में डायरेक्ट यूज किया करेंगे, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। इसका मतलब ये है, देखो इधर इसका मीनिंग क्या है, इधर ये कैसे आएगा, ये बच्चे सोच रहे हैं ये कैसे आएगा, मान लो सेवन सी टू है या थ्री लगा लो यहाँ पे, सेवन सी थ्री प्लस सेवन सी टू है, देखो ना ये यहाँ पे थ्री था, यहाँ पे एक कम है, मतलब थ्री यहाँ पे क्या हो गया, सेवन सी थ्री प्लस सेवन सी टू, एक कम हो गया, तो ये किसके इक्वल होएगा, देखो एन प्लस वन, एन कितना था सेवन, सेवन प्लस वन कितना हो गया एट, सी आर कितना है थ्री, तो एट सी थ्री के इक्वल होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये थी प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी ना, सारे आप ध्यान से देखा होगा आपने है ना, तो ये प्रॉपर्टीज नोट करो, और देन वी विल डू एक्सरसाइज 7.4।